जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं ECS स्वीडन T10 के आज के फर्स्ट गेम की, जो कि HUD और SIK के बीच खेला जाएगा। अब ये मैच दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बाकी इस वाले मैच की क्या अपडेट है ना, कौन से प्लेयर लेने हैं कौन से नहीं, सारा कुछ इस वीडियो पर जानेंगे। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पर एंड तक बने रहना और हमें सपोर्ट भी करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो ज़रा भी नहीं देख रहे। अगर तो आप वीडियो नहीं देखोगे तो मैं T10 की वीडियोस नहीं ला पाऊँगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो को ना फुल सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जो भी यूज़र देखो अभी मैच में 2.5 घंटे बाकी है ना, जो भी यूज़र हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, वो जल्दी से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो फाइनल अपडेट होती है ना टीम की, वो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है, जहाँ 46,200 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे है? अब टेलीग्राम का लिंक दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे हो इसके टाइटल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से ओपन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, है ना। यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ से नीचे ब्रॉडकास्ट की जगह ना ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ इसके अलावा ये जो बेल का आइकन है ना, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऑल पे प्रेस कर देना। अब इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई प्राइम वीडियो अपलोड होगी ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी और आप हमारी टीम का फ़ायदा सबसे पहले उठा लिया करोगे, है ना। अब दोस्तों टीम क्या रहेगी इस वाले मैच के अंदर, और उन सभी लोगों को मुबारकबाद दोस्तों जो लास्ट वाला मैंने जो टीम बनाई थी ना उसे फॉलो किया था, क्योंकि वहाँ पे रकीम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए हैं। बस CVC रिवर्स कर देते ना तो GL लग जाती है आपकी। 640 के आसपास मेरे पॉइंट्स बने थे और ड्रीम टीम के पॉइंट्स से 690 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों GL आराम से लग जाती कल वाली जो टीम थी 12 बजे वाली उसमें। अब यहाँ पे हम HUD की साइड की अगर बात करें ना, तो देखें ज़रा सुलहवा मुकाबला एक खेला जाएगा। बाकी यहाँ से ओपन करें अगर HUD के, तो देखे जाएंगे सारे स्टैट्स क्या हैं। तो ये देखिए HUD का मिल चुका है, ओपन करेंगे और डायरेक्टली दोस्तों स्कोर कार्ड पे चलेंगे। ये देखिए इमाल जुवाक, तारिक जुवाक, सईद अहमद, इसके अलावा रमानी दोस्तों, समीउल्लाह रमानी, सारे इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। जुवाक जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, जजाई की बैटिंग पोजीशन टॉप पे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डाउन पे है, ठीक है। जाफर इम्पॉर्टेंट रहेंगे बट ग्रैंड लीग के अंदर टॉप पे बैटिंग कराएंगे तभी रखना, अदरवाइज छोड़ सकते हो दोस्तों। रमानी एन इकबाल, क्यों, क्योंकि दोस्तों बॉल कराने वाले हैं ना, ये चीज़ माइंड में रखना। और कौन से थे, तारिक जुवाक, इसके अलावा सईद अहमद, बाकी एफ़ मोहम्मद को हम छोड़ नहीं सकते। अब जो प्लेयर हमने लिए ना, अब देखेंगे ज़रा यहाँ से, सो एन इकबाल मेरी टीम में है, शायद अपना अहमद हमारी टीम में है, तारिक जुवाक, रमानी, एफ़ मोहम्मद, यानी कि बॉलिंग बैटिंग हमारे सारा कुछ कवर कर लिया, सात इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ। ज़रूरत पड़ी तो एक आधे ड्रॉप भी कर देंगे, और ड्रॉप कौन होंगे पता है, जजाई, क्योंकि इनकी बैटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर तो टॉप पर बैटिंग कराएंगे देन मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा SIK का अगर देखें ना, तो जो कि कल ही हुआ था इनका मैच इनके साइड से दोस्तों, ओपन करेंगे सरमाद इम्तियाज़ जो कि विकेट कीपिंग कराएंगे, क्या बात है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है ये GL के अंदर भी। इसके अलावा नवीद अंजुम, थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहेगा बट देखें क्या बात है दोस्तों, जनता अच्छी खासी ले रही है, इसीलिए ले रही है दोस्तों। अंकित गुप्ता की बात करी जाए, अंकित गुप्ता के स्टैट्स देखे जाएंगे, क्या बात है दोस्तों, बैटिंग पोजीशन इनकी अप और डाउन होते रहती है। बाकी राशिद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑलराउंडर सेक्शन से, और पंघल है ना, अभी हम कितने प्लेयर ले सकते हैं, दो प्लेयर, तो देखिए ज़रा पंगल मेरी टीम में आ जाएंगे, अंजुम मेरी टीम में है,
इसके अलावा राशिद मेरी टीम में आ जाएंगे, इक्रम और सिल्वराज। सिल्वराज का देखें जरा, नहीं दोस्तों, तो यहाँ से आप उठा लो राशिद और पंघाल को, क्योंकि विकेट टीकर ऑप्शन है। ठीक है, सीवीसी की बात करें, सीवीसी के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, टी जुवाक है ना, एस अहमद, सईद अहमद रहमानी दोस्तों, इसके अलावा रशीद और पंगल, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो पॉइंट्स हमेशा देके जाएंगे आपको। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो जितने मैंने बताए, ठीक है, उसी के अंदर ही रखना, जीएल ज़रूर लग जाएगी। मैंने किन का बताया, अंजुम का बताया, रहमानी का बताया, और एक बॉलर जो कि पंगल है ना, इनमें से ही ट्राई करना। बाकी दोस्तों मेरी फाइनल टीम तो यही रहने वाली है, देखते हैं टॉस के बाद कौन से प्लेयर खेलते हैं, बाकी मेरी ऑलमोस्ट फाइनल टीम यही रहने वाली है ना। इतनी शॉर्ट वीडियो के अंदर दोस्तों आपको समझा देता हूँ मैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना टेलीग्राम से भी जुड़ना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यही मेरी फाइनल टीम रहने वाली है, बाकी जो भी अपडेटेड टीम होगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी है ना, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। चलिए, मैं नेक्स्ट T10 मैच की प्रिपरेशन करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।